भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई इस वक्त के टॉप 9 न्यूज पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली खबर, सेना प्रमुख नरवणे की अध्यक्षता में 26 से 29 अक्टूबर तक आर्मी के टॉप कमांडर्स की बैठक होगी। एलएसी पर तनाव को लेकर नई रणनीति पर चर्चा होगी। एलएसी पर पैंगयोंग झील के पानी में चीन कर रहा है साजिश, टोही विमान और एडवांस बोट के सारे भारत की कर रहा है जासूसी। दीपावली पर चीन को लगेगा बड़ा झटका, देश के 7 करोड़ कारोबारी नहीं बेचेंगे चीनी सामान, भारतीय सामानों पर रहेगा ज्यादा जोर। परमाणु क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का वीडियो आया सामने, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्य पर करती है अटैक। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, घुसपैठ कर रही पाकिस्तानी बोट, बैक टीम को सुरक्षा बलों ने खदेड़ दिया। नजरबंदी खत्म होने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से फारूक और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात, आज सभी करेंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथरस केस में पीड़ित परिवार का बयान, सीबीआई जांच पर है पूरा भरोसा, कल परिवार के लोगों से सीबीआई ने की थी 6 घंटे तक पूछताछ। 7 महीने बाद देशभर में आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, पूरी क्षमता के 50% दर्शकों को ही हॉल के अंदर जाने की इजाजत। भीषण बाढ़ से प्रभावित हैदराबाद में राहत और बचाव का काम जारी, कई इलाकों में फंसे लोगों को निकाल रही है सेना, आज भी बारिश का अलर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।